अब करनाल के बाद बात होगी पानीपत जिले की। पानीपत की जो सीट है, पानीपत सिटी, जहां से बीजेपी के प्रमोद विज इस चुनावी वैतरणी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी समर में ग्रीन सिग्नल पानीपत सिटी सीट से साफ साफ दिखाई दे रहा है और सीधा रुख कर रहे हैं देवेंद्र कथूरिया का। देवेंद्र, पानीपत सिटी विधानसभा और यहां से प्रमोद विज, ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, जीत पक्की दिखाई दे रही है? बिल्कुल अनूप, प्रमोद विज को लेकर शुरू से यह तय था कि प्रमोद विज चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जब अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा तो अपेक्षाकृत बीजेपी के कमजोर प्रत्याशी था। इनेलो वाला जो प्रत्याशी था, उन्होंने बीच चुनाव के ही समर्थन दे दिया कि मैं बीजेपी को समर्थन देता हूं। इनेलो का कैंडिडेट हट गया। जजपा वाला जो कैंडिडेट था, वो कहीं बाहर से लाया है क्योंकि यहां पार्टी को मिला नहीं। तो कांग्रेस वाला कमजोर था। मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में हो सकता था, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी बेहद कमजोर था। हालांकि मतदान के समय थोड़ी सी उसने ताकत दिखाई है, लेकिन यह तय था कि प्रमोद विज चुनाव जीतेंगे और ऐसा होता हुआ लग रहा है। और हम बता रहे कि प्रमोद विज की जीत जो है बीजेपी हम रेस से भी देख रहे हैं, उसमें भी आगे टिकट भी मिला, ओपिनियन पोल में भी तस्वीर इसी तरीके की बन रही थी जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। वीरेंद्र सोनी, देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो सिटिंग एमएलए थी रोहिता रेड्डी का टिकट काटकर प्रमोद विज में आस्था जताई और प्रमोद विज उस कसौटी पर खरा उतर रहे हैं। हालांकि ये देखिए कांग्रेस उम्मीदवार नया चेहरा थे, उसने मुकाबले में आने की कोशिश की, जातीय आधार भी बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना आधार है प्रमोद विज की। हालांकि जीत बहुत बंपर जीत मानी जा रही थी, लेकिन वो बंपर जीत तो नहीं होगी, लेकिन प्रमोद विज में है वो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर रहे हैं और जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर रहे हैं। तो ये जीत उनकी निश्चित मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो सिटिंग विधायक की टिकट काटी थी उसका कोई विशेष असर यहां दिखाई देगा या नहीं देगा, यह भी परिणाम बताएगा। चलिए, ये तो परिणाम बताएगा, ये तो तस्वीर 24 अक्टूबर को साफ होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की भी नतीजे बहुत कुछ साफ कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि किसकी जीत।